वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक अच्छा रिक्रूटमेंट निकल के आया, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम से। देखिए ये जो रिक्रूटमेंट है, ये रिक्रूटमेंट ऑल इंडिया बेसिस जॉब है। यहाँ पे डिप्लोमा डिग्री और ITI स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन देखिए, ये नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर देखिए, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर ये दिया हुआ है। और ये कोलकाता इसका हेड ऑफिस है, देखिए ये कोलकाता इस एड्रेस दिया हुआ है। देखिए ये बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये रिक्रूटमेंट निकाला गया है। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 26 मई 2022 को स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट एप्लीकेशन 13 जून 2022 इसका लास्ट डेट है। लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट 16 जून 2022 रखा गया। देखिए डिटेल्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कौन सा ट्रेड कैसे कैसे अप्लाई करना है, मैं वो डिटेल्स अभी डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट पे ये वैकेंसीज निकाला गया है। देखिए एजुकेशन असिस्टेंट ए, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 2, 1 रिजर्व फॉर OBC एट दीघा साइंस सेंटर एंड नेशनल साइंस कैंप दीघा, ये दीघा साइंस सेंटर के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। 1 आर रिजर्व एट बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम कोलकाता, ये बिरला टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम कोलकाता के लिए निकाला गया है। देखिए पे मैट्रिक्स 29,200 से 92,300 लेवल 5 के तरफ यहाँ पे सैलरी दिया जाएगा। ये देखिए यहाँ पे दो साइट के लिए, यहाँ पे एक दीघा और एक कोलकाता म्यूजियम के लिए ये निकाला गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे देखिए बैचलर डिग्री इन साइंस विथ फिजिक्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू सब्जेक्ट, केमिस्ट्री मैथ इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस एस्ट्रोनॉमी जियोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स रहेगा तो आप इसके लिए एलिजिबल है। देखिए यहाँ पे बैचलर डिग्री साइंस केमिस्ट्री और एनी टू सब्जेक्ट जियोलॉजी बोटानी माइक्रोबायोलॉजी एनवायरमेंटल साइंस बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फ्रॉम ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आकर आपका क्वालिफिकेशन रहेगा तो इसमें आप एलिजिबल है। नेक्स्ट एग्जामिनेशन असिस्टेंट ए पोस्ट के लिए 1 पोस्ट निकाला गया, ये अनरिजर्व के लिए बिरला इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम कोलकाता के लिए, यहाँ पे भी सेम सैलरी रखा गया। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे बैचलर डिग्री इन विजुअल आर्ट्स फाइन आर्ट्स कमर्शियल आर्ट्स में रहेगा तो आप इसके लिए एलिजिबल है। देखिए नेक्स्ट जो पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट ए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 1 अनरिजर्व फॉर बिरला इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम कोलकाता के लिए, यहाँ पे सेम सैलरी रखा गया। और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन 3 ईयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट टेक्नीशियन ए मतलब ITI स्टूडेंट के लिए रखा गया है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट 6 है। कारपेंट्री में देखिए यहाँ पे UR में 2 एट बिरला इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम कोलकाता, OBC में 1 नॉर्थ बंगाल साइंस सेंटर सिलीगुड़ी, EWS के लिए 1 सीट डिस्ट्रिक्ट साइंस सेंटर पुरुलिया के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे नंबर ऑफ सीट 1 अनरिजर्व एट बिरला इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम कोलकाता के लिए, और इलेक्ट्रिकल के लिए 1 रिजर्व फॉर EWS एट नॉर्थ बंगाल साइंस सेंटर सिलीगुड़ी के लिए रखा गया। देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स जो यहाँ पे बोला गया है लेवल 2 19,900 से 63,200 तक आपका सैलरी होगा। इसमें देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन SSC और मैट्रिकुलेशन विथ सर्टिफिकेट फ्रॉम ITI इक्विवेलेंट डिसिप्लिन, जो जो ट्रेड से मांगा गया उसी ट्रेड से आपका SSC मैट्रिकुलेशन और उसके साथ आपका ITI सर्टिफिकेट रहेगा तो आप इसके लिए एलिजिबल। कैंडिडेट मस्ट हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर ऑप्टेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स ड्यूरेशन, आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है जो बहुत ही ईजी है, कहीं से भी आप ला सकते हैं। देखिए यहाँ पे एज लिमिट 35 ईयर्स एज ऑन 13/6/2022 यहाँ पे रखा गया, एज पर गवर्नमेंट रूल्स आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फी आपका फी पेएबल 2,000 रुपीज़। यहाँ पे वोमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग शेड्यूल SC ST PWD
ESM, इनके लिए EFE का जरूरत नहीं है, ये एग्जाम्प्टेड है, मतलब ये फ्री है। देखिए यहाँ पे हाउ टू अप्लाई में लिखा गया है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना। देखिए एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑनलाइन मोड विथ सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपीज, आपका सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी देना है, सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल्स, जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो देना है, JPEG फॉर्मेट में आपका फोटो होना चाहिए, वो 200 KB में होना चाहिए, उसी को आपको अपलोड करना है एट द ऑफिशियल वेबसाइट। ये ऑफिशियल वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट रिक्वायर टू अपलोड स्कैन रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो JPG और JPEG फॉर्मेट में, वो 100 KB में होना चाहिए एंड सिग्नेचर भी वो 100 KB में होना चाहिए। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसे मैं बोला 13 जून 2022 रखा गया। ये था आज का टॉपिक, इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाला एग्जाम का।